YouTube पर केक का वीडियो देख करके अगर हम केक ट्राई करते हैं तो क्या क्या गलतियां हो सकती हैं वो आज के वीडियो में पता चलेंगी, क्योंकि आज का केक मेरी 13 साल की बेटी पहली बार बना रही है YouTube पर इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए। फर्स्ट स्टेप है, ओवन को प्रीहीट करेंगे 350 डिग्री फारेनहाइट यानी 180 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट स्टेप ओवन को प्रीहीट करने के बाद में होता है, यानी केक बनाने का फर्स्ट स्टेप होता है, जिसमें हम कंटेनर को ग्रीस करते हैं और थोड़ा सा, क्योंकि चॉकलेट केक बन रहा है इसलिए कोको पाउडर से इसको डस्ट भी करेंगे। आज का केक तैयार कर रही है हमारी जूनियर शेफ श्रेया। श्रेया 13 ईयर्स की है और उसको कुकिंग में भी कुछ नहीं आता है। पहली बार उसने बेकिंग स्टार्ट की है और बेकिंग में भी सबसे पहले उसने उठाया चॉकलेट केक, जो बहुत इजी है और यूट्यूब पे मेरा ही वीडियो उसने देखा है, देख करके वो बना रही है। पैन को ग्रीस किया और ग्रीस करके डस्ट कर दिया। चलो पैन को साइड में रख दो। नेक्स्ट स्टेप आता है इंग्रेडिएंट्स, ड्राई इंग्रेडिएंट्स को लेना। बहुत सिंपल सा केक बना रहे हैं तो ये हम ले रहे हैं। पहले क्या ले रहे हो बताओ? 3/4 कप। ठीक है, 3/4 कप आटा। आपके पास मैदा है तो मैदा भी ले सकते हैं, लेकिन मैदा अगर आप लेते हैं तो मैदा की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा देना, यानी 3/4 कप की जगह आप 1 कप मैदा इसमें ज़रूर डाल देना, क्योंकि जो मैदा होती है वो थोड़ी हल्की होती है और आटा थोड़ा सा भारी होता है। नेक्स्ट है, इसमें क्या डाल रहे हैं? 1/4 कप कोको पाउडर, अनस्वीटेंड। अनस्वीटेंड कोको पाउडर है, डार्क कोको पाउडर है, क्योंकि कलर बहुत अच्छा आता है, स्पेशल डार्क है। 1/4 कप। Then 1/2 teaspoon baking powder. 1/2 teaspoon baking powder. Okay. 1/4 teaspoon baking soda. Okay. 1/4 teaspoon salt. 1/4 teaspoon salt. And then a little sift. हाफ कप डाली है शुगर, पाउडर्ड शुगर। शुगर डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बहुत ही इजी स्टेप्स हैं नेक्स्ट। तो इसमें वेट इंग्रेडिएंट्स डालने हैं, कोई ज़्यादा मिक्स नहीं करना, कुछ नहीं करना, फटाफट से सारे के सारे वेट इंग्रेडिएंट्स इसमें डालेंगे, मिक्स हो जाएंगे और तब तक ओवन भी प्रीहीट हो चुका होगा। बस ओवन प्रीहीट हो जाएगा और सारे इंग्रेडिएंट्स एक साथ हमने डाल करके मिक्स कर लिए होंगे, फिर उसको एक कंटेनर में पोर करेंगे जिसको हम ऑलरेडी रेडी कर चुके हैं और ओवन में बेक होने के लिए रखेंगे। 3/4 कप वाटर, ये वाटर गर्म है तो 3/4 कप हॉट वाटर है। आप इसकी जगह दूध भी डाल सकते हैं, गर्म दूध भी डाल सकते हैं अगर आप इसको थोड़ा रिच बनाना चाहते हैं तो, और नहीं तो वाटर के साथ में बहुत अच्छा डालते जाओ, वाटर के साथ में बहुत अच्छा बनता है। और 1/4 कप ऑयल, रिफाइंड ऑयल है। 1/2 teaspoon lemon juice. 1/2 teaspoon lemon juice. Vanilla essence. Vanilla essence. Very little. 1/2 teaspoon या 1/4 चम्मच. क्योंकि एग नहीं डाल रहे हैं इसलिए वनीला एसेंस जरूरी नहीं है, बट अगर आप डालते हैं तो अच्छा रहेगा। बस ये डल गया, अब अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। बहुत देर तक नहीं चलाना है, बस इतना कि सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। अगर आपको लगता है कि लिक्विड थोड़ा कम है तो इसमें थोड़ा सा पानी या दूध और ऐड कर सकते हैं, 1-2 ड्रॉप्स, बट ये हो चुका है, लेकिन मुझे लग रहा है इसमें थोड़ा सा पानी की कमी है। तो श्रेया ने गलती क्या करी कि उसने पानी गर्म किया और पानी को बहुत देर तक गर्म होने रख दिया तो वो इवेपोरेट होके कम हो गया। कम होने की वजह से ये अभी आप जो देख रहे हैं इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी रह गई, अदरवाइज 3/4 कप अगर पानी अपने ढंग से गर्म किया होता तो ये प्रॉब्लम नहीं होती। गलती करते हैं खुद और बाद में कहते हैं कि आपने बताया नहीं। थोड़ा सा और डलेगा पानी अभी, ताकि थोड़ा पोरिंग कंसिस्टेंसी का होना चाहिए। दिस इज स्टिल नॉट गुड। यस यस। और वैसे केक को कभी इतना ज़्यादा नहीं बीट करते, बहुत लाइटली इसको वैसे किया जाता है, बट क्योंकि उसने ख़राब कर दिया है अभी तो चांसेस कमी है कि अच्छा बनेगा।
ओके तो चलो उसको बेक करने रखते हैं, बस बहुत ज़्यादा करोगे तो ख़राब हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप है कंटेनर में पोर करने का, तो इसको ले लो सेंटर में एंड डालो, पहले पोर करना शुरू करो। अच्छा एक चीज़ मैं आपको और बताती हूँ, इसने क्या किया, मेरा पुराना वीडियो देखा है, वो देख करके उसको समझ में आया कि कंटेनर के चारों तरफ अगर कोई भी टावल रैप लगा दिया जाए थोड़ा गीला करके, तो डोम शेप का केक नहीं बनता। तो वो स्मार्टनेस उसने दिखाई है, पहली कंटेनर को ऐसे रेडी करके रख लिया जिसमें उसके कंटेनर के चारों तरफ वेट टावल रैप लगाया हुआ है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका केक फ्लैट बने, डोम शेप का नहीं हो, तो ये ट्रिक अपना सकते हैं, लेकिन ऐसे में बेकिंग टाइम थोड़ा सा बढ़ जाएगा, 5 मिनट एक्स्ट्रा। ठीक है चलो इसको रखो अब ओवन में। ओवन में इसको हमेशा सेंटर रैक पे रखें, राइट, अब बीच में रखेंगे और बंद कर देंगे। एंड देन लेट्स वेट फॉर 27 मिनट्स। स्मार्ट बच्चे, टाइमर सेट कर रही है वो 25 मिनट्स का, 25 मिनट्स के बाद में एक बार चेक करके देख लेंगे। कितना अच्छा केक बेक हुआ है, टाइम भी हो गया है केक को बाहर। चलिए अब बनाएंगे चॉकलेट गनाश, तो उसके लिए हमें करना पड़ रहा है थोड़ा सा जुगाड़। तो इस पैन में हमने लिया है गर्म पानी, एकदम बॉयल उबलता हुआ गर्म पानी, इसके ऊपर ये रख रहे हैं क्योंकि और कोई छलनी मिली नहीं, इसलिए ये रख रहे हैं। इसमें रख रहे हैं वो बोल जिसमें हम रखेंगे चॉकलेट, तो ये बोल रख दिया। ओके और अब इसमें हम डाल रहे हैं 1 कप चॉकलेट चंक्स, तो चॉकलेट चंक्स भी हैं, थोड़ी सी वो जो कैंडीज आती हैं वो भी हैं। 1 कप हमने डाली चॉकलेट्स। अब क्योंकि क्रीम नहीं है इसलिए बनाना पड़ रहा है इसको दूध के साथ में, तो यहाँ पर हम डालेंगे 3 टेबलस्पून दूध। 1 कप चॉकलेट चंक्स के साथ में इसमें 3 टेबलस्पून दूध डल रहा है, तो 3 टेबलस्पून दूध डालेंगे और साथ ही इसमें डाल रहे हैं 2 टेबलस्पून बटर। तो यहाँ पर थोड़ी सी चॉकलेट है, मिल्क चॉकलेट, थोड़ी सी चॉकलेट कैंडीज थी वो डाली हैं, क्योंकि हमें चाहिए थोड़ा सा डार्क कलर का चॉकलेट गनाश, इसलिए 1 टेबलस्पून इसमें डाल रहे हैं कोको पाउडर, स्पेशल डार्क कोको पाउडर। अब इस सेटअप को थोड़ी देर रहने देते हैं तब तक कि ये पूरी तरह से अच्छे से मेल्ट हो जाएंगी चॉकलेट्स, और अच्छे से उनको हम स्टर करेंगे तो वो स्मूथ हो जाएंगे और गनाश की फॉर्म में तैयार हो जाएंगी। तो थोड़ी देर हो गई है, इसको अब थोड़ा थोड़ा सा स्टर करना शुरू करते हैं। अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो आप इस तरह से डबल बॉयलर की मदद से भी बना सकते हैं, बाकी बहुत आसान तरीका है माइक्रोवेव में भी आप इसको रखें एक बार 30 सेकेंड्स के इंटरवल में इसको 2-3 बार माइक्रोवेव करें और अच्छे से मिक्स करें। तो केक निकाल लिया है, केक को निकाल करके ओवन से इस तरह किसी जाली पर रखें, तो इससे ये नीचे से गीला गीला नहीं होता, सॉगी नहीं होता। और एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं, एक टूथपिक को केक के बिल्कुल सेंटर में इस तरह से इंसर्ट करके निकाल के देखें, क्लीन बाहर आती है तो मतलब ये रेडी है। तो ये मेल्ट होने शुरू हो गया है और इसको हमने डबल बॉयलर से हटा दिया 2 मिनट बाद में। तो डार्क कलर का गनाश है, थोड़े से चंक्स इसमें बाकी हैं, अगर इसको ज़रूरत लगती है, नहीं होता है अपने आप, तो इसको डबल बॉयलर पर रखेंगे। तो गनाश रेडी है, इसमें थोड़े थोड़े से छोटे छोटे से चंक्स हैं, तो अगर चंक्स अपने आप मेल्ट नहीं होते हैं थोड़ी देर में, तो इसको हम थोड़ा सा डबल बॉयलर पे और रखेंगे, वरना ये गनाश रेडी है। इसको ठंडा हो जाएगा, तो जैसे जैसे ठंडा होता जाएगा वैसे वैसे थोड़ा सा थिक हो जाएगा, लेकिन बहुत दिखने में अच्छा बना है। तो देखिए इसके सारे चंक्स अपने आप मेल्ट हो गए हैं, इसको बिल्कुल कोई माइक्रोवेव करने की या डबल बॉयलर पे रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब तक हल्का हल्का सा गर्म रहता है मेल्ट होती रहती है चॉकलेट, जैसे जैसे ठंडा होता जाएगा ये गाढ़ा भी होना शुरू हो जाएगा। तो थोड़ा सा थिक होना शुरू हो गया है, बहुत सुंदर दिख रहा है, इसकी शाइन देखिए कितनी प्यारी है। ये स्प्रेडिंग कंसिस्टेंसी का नहीं है, पाइपिंग गनाश कंसिस्टेंसी का नहीं है, लेकिन अगर केक बना करके आपको पोरिंग नहीं चाहिए, नहीं बहुत ज़्यादा लिक्विड नहीं चाहिए, ड्रिपिंग इफेक्ट नहीं देना है, लेकिन केक पर स्प्रेड करना है, तो जैसे जैसे गाढ़ा होगा आधे घंटे के अंदर ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी का हो जाएगा, जिसको केक के ऊपर स्प्रेड किया जा सकता है। मज़ेदार स्टेप, निकालो पूरा नीचे तक जाना चाहिए नाइफ, और उसके पूरे एजेस में अच्छी तरह से नाइफ को चारों तरफ घुमाओ, ऐसे नहीं पूरा घुमाओ, चलाते जाओ
लाइक दिस वेरी हॉट इज इट स्टिल हॉट इसको चलाना है ये साइड से है तुमने बीच में से उसका काटा है इसलिए इसको निकालना इजी नहीं था क्योंकि इसको इस तरह से चलाना होता है और केक के अंदर ये देखो इसने क्या किया केक के अंदर से घुमा रही थी केक के अंदर से घुमाओगे तो फिर तो मुश्किल होगा ही ना केक के साइड से ऐसे लेना है कि केक बिल्कुल नहीं टूटेगा लेकिन अब तो तुम्हारा टूटेगा क्योंकि तुमने उसको बीच में से किया है नेक्स्ट स्टेप ऊपर से नेक्स्ट स्टेप केक रेडी हो गया है थोड़ा सा उसका केक बीच में से ब्रेक हो गया है उसके ऊपर गनाश वनाश सब पोर कर दिया है टेस्टी बहुत बना है दिखने में बहुत अच्छा बना है लेकिन थोड़ा सा बिखर रहा है और बिखरने का कारण ये है क्योंकि इसने उसको बहुत ज़्यादा स्टर किया और थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया था केक में अदरवाइज़ वैसे केक टेस्ट में बहुत अच्छा बना है और गनाश तो आप देखेंगे गनाश तो ऑसम